हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास प्लस टू के अंदर भी आप इसकी स्टडी करोगे। और क्या होती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आर यू रेडी। मैं हूं विक्की नारंग, आपके अपने यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस पे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, आयनाइजेशन एंथैल्पी। नोट करें, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, कोई भी एक एटम है, कोई भी अगर एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट में क्या मिलते हैं आपको, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सपोज सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, 11, उसकी कॉन्फिगरेशन 281, मींस उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी यूज होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी इसको बोलते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन होगी, वो डेफिनेशन नोट कर लें। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आपने यहां पे दो वर्ड यूज किए हैं, आइसोलेटेड और दूसरा गैसियस एटम, मींस मोस्ट लूजली बॉन्डेड आइसोलेटेड गैसियस एटम। मोस्ट लूजली क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इन बाकियों से क्या होंगे, लूजली, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल में है और इसकी जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच में क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू जो ये इनर सेल है। इट मींस ये क्या है, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दूसरा इसने क्या बोला है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है ये गैसेस, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जो अलग से होता है, और गैसेस एटम का मतलब है कि कोई भी एक अकेला एटम है तो वो किस स्टेट में मिलेगा आपको, गैसीय स्टेट में, चाहे वो सोडियम का हो, चाहे वो आयरन का हो, चाहे वो गोल्ड का हो, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एक अकेला जो एटम है वो किस स्टेट में मिलेगा आपको, गैसीय स्टेट में। क्योंकि अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं ड्यू टू हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट अगर एक अकेला एटम है तो वो किस स्टेट में होगा, गैसियस एटम होगा, वो अकेला होगा, इसीलिए इसने दोनों वर्ड यूज कर लिए, आइसोलेटेड मींस अकेला और कौन सा, गैसियस एटम। और इससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट्स सो इंपॉर्टेंट, नोट कर ले, मींस इसके आउटर मोस्ट से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी यूज होगी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। बात करें अगर इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल। ये तीनों ही यूनिट आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और बात करें अगर हम इसकी कन्वर्जन की, मींस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमने किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने किलो जूल है, वो भी आप अगर ले नोट कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम
96.49 किलो जूल पर मोल के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये क्या है, इसकी यूनिट है। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, नोट करें। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस अगर कोई भी मेटल एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, वन पॉजिटिव। तब हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर यही मेटल आयन दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मींस एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। यही अगर M2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कौन सी होगी, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। दो लूज करेगा तो कौन सी होगी, सेकेंड। और तीसरा भी लूज कर देगा तो कौन सी होगी, वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होगी, वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो उस मेटल एटम को हमने क्या देनी है, एनर्जी देनी है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था सोडियम का, सोडियम की कॉन्फिगरेशन क्या थी, 2-8-1, मींस उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 थे। पर हमने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या दी थी, उसको एनर्जी दी थी। मींस इस एटम ने उस एनर्जी को क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और अगर कोई भी एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। अगर कोई एटम किसी हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। और अगर रिलीज करता है तो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। तो ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, मींस ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। कौन सी होगी, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ना कि एक रिएक्शन है। और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू किसमें होगी, पॉजिटिव में होगी। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसके लिए किसमें होती है, वो नेगेटिव में। बट जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो किसमें होती है, पॉजिटिव में। मींस आयनाइज्ड एनर्जी किसमें होती है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव किलो जूल में हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकती है। अगर हम बात करें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी होगी, क्या फर्स्ट की होगी, सेकेंड की होगी या थर्ड की होगी। सपोज करो आप किसी मॉल से बाहर निकले हो, किसी शॉप से बाहर निकले हो, आपके पास 3 पॉलोथीन है और आपके पीछे कुत्ता लग गया, तो आप सबसे पहले किस पॉलोथीन को फेंकोगे, छोड़ोगे। तो सबसे पहले किस पॉलोथीन को छोड़ोगे, जो सबसे लूज होगा या जो सबसे सस्ता होगा उसको क्या कर दोगे, आप फेंकोगे। तो सबसे पहले किसको फेंकोगे, जो मोस्टली लूजली बॉन्डेड होगा, मींस आउटर मोस्ट में जो सबसे लूजली बॉन्डेड होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, मींस फर्स्ट पॉलिथीन को फेंकने में आप फेंकोगे या कुत्ता आपसे क्या कर लेगा, छीन लेगा। अगर कुत्ते ने आपसे वो पॉलिथीन छीन लिया तो आप बाकी दोनों जो पॉलिथीन है उसको क्या कर लोगे, कस लोगे। मींस अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज। और अगर दूसरा भी छीन लिया तो तीसरे को आप बिल्कुल क्लोजली पकड़ लोगे, लेकिन तीसरे को खींचने के लिए उस कुत्ते को क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। मींस जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पे थर्ड में ज्यादा क्यों लगी, क्योंकि अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट जो सबसे लूजली था, अगर कुत्ते ने उसको पहले छीन लिया तो आप इन दोनों को बाकी ज्यादा अट्रैक्ट कर लोगे, ज्यादा उसको सेव करोगे।
दूसरा भी अगर कर लिया तो तीसरे को और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे और थर्ड के अंदर आयन क्षेत्र भी क्या लगने वाली है, ज्यादा लगने वाली है। मींस अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं जो मोस्ट लूजली होता है तो उसके लिए आयन क्षेत्र भी क्या होती है, कम होती है। और अगर हमने तीन इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो उसके लिए एनर्जी क्या लगने वाली है, ज्यादा लगने वाली है। सो थर्ड आयन क्षेत्र इज मैक्सिमम देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, मींस वो कौन कौन से कारण हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को चेंज कर रहे हैं, मींस उसके फैक्टर हैं, क्या कारण है जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी चेंज हो सकती है, या किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। फर्स्ट वो डिपेंड करेगा साइज पे। किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। तो इसके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यह कहा था कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज। मींस अगर लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट की जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। और लिथियम जिसका साइज क्या था, बड़ा था। मींस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट की जो अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है। मतलब जिसका साइज छोटा होगा उसकी अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा है, मींस अगर मैंने इसको बिल्कुल अट्रैक्ट कर रखा है, पकड़ रखा है, तो क्या इसको रिमूव करना इजी है, रिमूव करना इजी नहीं है। इसको रिमूव करने के लिए हमें मैक्सिमम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। मींस जिसका साइज छोटा है उसमें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होने वाली है, ज्यादा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम। अगर साइज छोटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, और साइज अगर बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। सेकंड जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज होता है, एक एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन पे। मींस जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम के अंदर उतनी ज्यादा क्या होने वाली है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वो लेक्चर देख लें। उसमें हमने बताया था कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। मींस अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज क्या होगा, स्मॉल। इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा। मींस अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। मींस न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। थर्ड हमारा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आपने चार ऑर्बिटल पढ़े थे, एक एस था, एक पी था, एक डी था और एक एफ था। एस पी डी एफ, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2, पी में कितने थे मैक्सिमम, 6, डी में मैक्सिमम कितने थे, 10, और एफ में मैक्सिमम कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन।
अगर किसी भी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, कंप्लीटली फिल्ड, या क्या बोलते हैं उनको, फुल्ली फिल्ड। मींस फर्स्ट जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल पे। सेकंड, अगर इनके हाफ है, मींस अगर पी जो ऑर्बिटल है वो 6 से हाफ कितना हो गया 3, डी 10 से हाफ कितना हो गया 5, एफ 14 से हाफ कितना हो गया 7, अगर पी में 3, डी में 5, एफ में 7 अगर ये है तो इनको हम क्या बोलेंगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इनको, हम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और किसी भी एटम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है तो उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। वो क्या होगी, वो स्टेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेरिलियम और बोरोन से, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 4, ब्रोन जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 5, और ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मींस ब्रोन का जो साइज है वो बेरिलियम से क्या है, स्मॉल है, और स्मॉल साइज है तो अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सपेक्टेड किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ब्रोन की, बट ये एक एक्सेप्शनल केस है। कैसे, क्योंकि ब्रोन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है 2s2 2p1, बेरिलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 2s2, मींस s में मैक्सिमम कितने होते हैं 2, अगर वो 2 के 2 फुल्ली फिल्ड है तो फुल्ली फिल्ड क्या होता है, स्टेबल। और जिस भी एटम की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस कोई भी एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मींस हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। फोर्थ है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या कहता है कि जो चार ऑर्बिटल बताए हैं एस पी डी और एफ, इसमें एस ऑर्बिटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होता है, और न्यूक्लियस के अगर क्लोज है तो इसकी अट्रैक्शन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस एस ऑर्बिटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ज्यादा होती है देन पी देन डी एंड देन एफ ऑर्बिटल। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट हो सकता है, सपोज आपसे क्वेश्चन पुट होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है एग्जाम के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें तो ऑक्सीजन जिसका साइज स्मॉल है नाइट्रोजन से तो इसकी अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। बट नाइट्रोजन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 मींस p में कितने हैं ऑटोमोस्ट में 3, अगर p में 3 है तो इसको हम क्या बोल देंगे, हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड क्या होता है, स्टेबल। इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा ना होके किसकी है, नाइट्रोजन की, due to its half filled nature। तो ऐसे exceptional case जितने भी होंगे वो क्या है, important है। तो ये चार factor है ionization enthalpy जिस पर depend करती है। First था size ionization enthalpy के क्या होता है, inverse होता है। Second nuclear charge जो कि ionization enthalpy के क्या था, direct था, means ionization enthalpy बढ़ती है nuclear charge जब बढ़ता है। थर्ड जो फैक्टर था हमारा कॉन्फ़िगरेशन पे, मींस हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड द फोर्थ वन इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। एस ऑर्बिटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो चार ये इफेक्ट हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए ग्रुप और इन ए पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं इन ए पीरियड, मींस लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट टू राइट कैसे जाएंगे? हम एग्जांपल लेते हैं सेकंड पीरियड का, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेफ्ट से राइट साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर स्टडी कर लिया है, देख लिया है, नोट्स बना लिए हैं, तभी ये लेक्चर पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। सो लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज के क्या होती है? इनवर्स होती है। साइज के क्या होती है? इनवर्स। मींस लेफ्ट टू राइट अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? इंक्रीज, बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्स टू साइज, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। मीन्स साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या है? इनवर्स है, ठीक है। बट यहां पे कुछ एक एक्सेप्शनल केस है। फॉर एग्जांपल बेरिलियम, बेरिलियम क्या है? फुल्ली फिल्ड है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फुल्ली फिल्ड है? ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? 2s2 means s अगर फुल है, फुल्ली फिल्ड है, तो वो क्या होगा? स्टेबल। और स्टेबल है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बोरोन से ज्यादा होगी, लिथियम से भी क्या होगी? ज्यादा होगी। हालांकि लेफ्ट टू राइट क्या हो रही थी? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, बोरोन की ज्यादा हो रही थी, बट और किसकी नहीं है? बेरिलियम की, ड्यू टू इट्स फुल्ली फिल्ड एंड स्टेबल नेचर। नेक्स्ट अगर हम देखें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से भी और कार्बन से भी। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फिगरेशन क्या है? 2s2 2p3, मींस ये क्या है? हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें नियॉन, वैसे तो इस पेड़ के अंदर नियॉन की सबसे ज्यादा है, और नियॉन की और भी ज्यादा, क्योंकि ये क्या होता है? फुल्ली फिल्ड है। मींस ये तीन इसके अंदर क्या मिलने वाले? तीन तो नहीं कह सकते क्योंकि ये वैसे इसकी ज्यादा थी, ये दो इसके अंदर क्या है? एक्सेप्शनल केस है। क्लियर। अगर हम बात करें मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए पीरियोडिक टेबल, सो मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने ये देखा है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी नियॉन से ऊपर एक नोबल गैस है, कौन सी? हीलियम, जिसका साइज नियॉन से क्या है? स्मॉल है। और इसके कई फैक्टर हैं जिसके कारण इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए पीरियोडिक टेबल किसकी? हीलियम की। क्यों होती है? फर्स्ट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि इसका जो साइज है वो क्या है? स्मॉल। सेकंड, ये एक फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो कर रहा है, इट मींस ये स्टेबल नेचर शो कर रहा है, और इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है। मींस ये लेफ्ट टू राइट सबसे ऊपर बैठा है। दूसरा, अगर बात करें टॉप टू बॉटम की, तो टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज। क्योंकि अगर हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट ही ग्रुप का, है लीना की रब से फरियाद, मींस हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, तो इनके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है। और दूसरा, अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम की, तो हमने कहा था टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी?
डिक्रीज होगी, मींस टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे कम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है पूरी पीरियोडिक टेबल में वो किसकी है, सीजियम की, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम किसकी है, सीजियम की। अब कुछ के माइंड में ये हो रहा होगा कि फ्रेंशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी है, सीजियम की है। क्लियर है, नोट कर लो इसको। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक डिपेंड करता है हमारे प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने साइज के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इनसे पहले आप वो लेक्चर देखिएगा और उसके बाद में ही आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी क्लियर होगी। क्लियर है,